सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकते। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मज़ा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज़ मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले वहाँ पर, हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहाँ आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से, अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे कियामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफ़ेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे सात स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उठपटांग बात क्यों लिखे। ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अरबस्थान के लोग ज़रा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। हम लोगों को पता है, एक लड़का अंग्रेज़ी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में, उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज़ को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठता। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो, ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो, ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कहले माँ, ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है, अच्छा नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है, और क्या कहें। अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो इसे क्या कह सकते हैं। एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए, कहले हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए, मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगा कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिका। मैंने कहा नमस्कार, तुम ऐसे ही लड़ते रहो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, और क्या करें, तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज। और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार। और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग गए बीते, बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं, हज़ारों हज़ारों की तादाद में सहयोगी हैं,
और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहाँ हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते मत मारना वो चीज़। और ये चीज़ इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊँ फिर देखूँगे, तो यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई है, तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती है घोर कलयुग है, मान ली, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज़ होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता था कि अच्छा क्या है बुरा, बुरी ब्यात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता, इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये लें या वो लें। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ नल दमयंती आख्यान में। नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा बिछोड़ कर दिया, मैं तुमको मार डालूँगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले ने मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे माने बौखला जाएंगे, और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को सत्य को, वो आशीर्वादित होंगे। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात कर। इसलिए कलयुग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर यह होने नहीं वाला, और इसके बगैर मनुष्य से प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है, इधर ध्यान दीजिए कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है, और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे। एकदम सादी बात है, आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसके अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जा कर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है, ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई और चीज़ करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज़ दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये बेकार की चीज़ है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते, तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से काम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती, और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं वो काम आप करेंगे ही नहीं।
और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें आज, लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आघाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की ज़मीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ उछकाएँ उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति आती, बच्चों में शांति आती। शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि और हर तरह से पूरे पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज़ देना चाहूँ तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो? ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है, और ये जो समाधानी स्थिति है इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग, ये प्यार की देन, परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़। जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था? आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है? सब एक जीव हो जाते। अब देखिए इतने दूसरे दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्म का है, वो आपको कहीं नहीं मिले। आप हैरान हो जाए कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे, लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी।
जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हुआ, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचाने और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम, और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इतने बच्चे सामने हो, तो वो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है, अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं, और आप कीचड़ में कर फंसे रहें तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि एक 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम है, तो समझदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ इतना कहना है कि आपने अगर जूते उते पहने हो तो उसको हटा के रख दो, जिससे ये कि ये आपकी, मैंने पहले कहा कि ये भारत माता के पता नहीं कितने ऋषि मुनियों ने पवित्र की हुई जगह है ये, और इस जगह का जो पुण्य प्रताप है उससे आप क्या क्या प्राप्त करेंगे ये देखना। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ करें, अब ये हाथ मेरी ओर करें, और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर
ये हाथ कर, अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर कर और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखे अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना अधांतर में। देखिए अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या, बयार आ रही है क्या, ऐसे देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती पीछे आती, ज़रा हाथ ऊपर घुमा के देखिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे, और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ़ करना है। आप सबको माफ़ कर दीजिए, अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ़ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ़ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ़ कर दें, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ़ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ़ करें। अब दोनों हाथ मेरे ओर कर, प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज। अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गरम हवा, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हैं। यहां से वहां तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया, अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाए तो फिर क्या कहें।